मैं आप स्वागत करना चाहूंगी नम्रता प्रधान जी का. नम्रता मैम इज अ रेनाउंड एक्ट्रेस इन अ मराठी टीवी शो कॉल्ड छत्रीवाली. इट्स प्लेजर टू मीट यू मैम. प्लीज प्लीज हैव अ सीट. मैम प्लीज हमें हमारे साथ आप आपका वर्क एक्सपीरियंस आपके काम का एक्सपीरियंस प्लीज शेयर कीजिए. ऑफ कोर्स. एक्चुअली मैंने इट्स माय फर्स्ट ईयर. ओके. मेरा पहला साल है और मतलब 6 महीने मैंने बहुत स्ट्रगल किया. लाइक शूट भी चालू था, सीरियल भी ऑन एयर थी, डेली एपिसोड चल रहे थे एंड देन बहुत हार्ड वर्किंग था बट एंजॉय भी कर रही थी और ये भी चल रहा था कि और आगे मतलब कैसा कर सकती हूँ, कितना अच्छा कर सकती हूँ. और इस पूरे साल में मैंने बहुत अच्छा कुछ सीखा है अबाउट एक्टिंग, लाइटिंग एंड फोकस एवरीथिंग. और बहुत लोगों से मिली भी हूँ और बहुत अच्छा लगा है. मीन्स लाइक न्यू एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस. तो मैंने अपना काम एंजॉय भी किया और अभी भी मेरा काम चालू है. सो मैंने एंजॉय किया. तो आपको ये इवेंट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने इवेंट एंजॉय किया है? ऑफ कोर्स. मतलब जब से मैं आई हूँ तब से मुझे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है. आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ बुलाने के लिए. तो ये तो एक नॉर्मली रीज़न है हमारे लिए, पर कोई बुलाता है तो फिर जाना भी है, सब करना मैनेज. पर यहाँ आने के लिए मैंने बहुत प्रिपरेशन किया है कि मैं बहुत एक्साइट थी यहाँ आने के लिए. इन्होंने मुझे चांस दिया है आने के लिए. इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फैंस से मिलने के लिए बहुत मतलब अच्छा लगता है. किसी किसी को बहुत बुरा लगता है या फिर बहुत बोरिंग कि यार फैंस से क्या मिले हैं, बट इस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे फैंस को मिलने मिल रहा है और आज मैं सबको देख रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं. तो ये बहुत अलग फीलिंग्स है. आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. तो मैं चाहती हूँ कि इनलिफ्ट अभी जैसे मुझे इन्होंने अभी बुलाया वैसे हर इवेंट में इनवाइट करें. और इनके वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन पे बहुत प्रमोशन हो सकता है. और जैसे कि हमें मुझे तो स्पेसिफिक मुझे नहीं पॉसिबल होता डेली अपडेट स्टोरीज एंड, तो इनके वजह से अब मैं वो कर पाऊँगी, पॉसिबल हो पाएगा. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. थैंक यू.